हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। देखिए, ये एक सेक्शन है तीन पाइप का, उसमें देखिए टैकिंग किया जा रहा है। इस सेक्शन को पुश करके ये हमारी रोड है, इसके नीचे डाला जाएगा। उसी के लिए यहाँ पे अभी इसको वेल्ड किया जा रहा है। जब ये उस पार निकल जाएगा, उसके बाद इसको कट करके निकाल दिया जाएगा। ऐसी जगहों पर काम करना बहुत ही आसान नहीं होता है। जिस सेक्शन की हमें पुशिंग करनी है, कल वहाँ पे वेल्डिंग चल रहा था, उसको उस पाइप में जोड़ दिया गया है। अभी यहाँ पे अंदर से चूहा बोरिंग किया जा रहा है। चूहा बोरिंग का नाम सुना है आपने? जितना पाइप जाएगा, इसके अंदर दो आदमी गए हैं और एक ट्रॉली होती है, उसमें दोनों साइड में रस्सी लगी होती है। दो वो तसला टाइप का होता है जिसमें मिट्टी को रखते हैं, एक जब उधर से मिट्टी को निकालते हैं उसमें रखते हैं, फिर ये बंदा रस्सी से ट्रॉली को खींच लेता है और बाहर आता है, फिर मिट्टी यहाँ पे निकाल देता है, फिर इसको रखता है, फिर वो खींचता है, वहाँ से मिट्टी निकाल के उसमें डालता है। मतलब कहने का मतलब ये प्रोसेस, वहाँ से मिट्टी निकालने का प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है। देखिए, और कल उसको 1 मीटर पुश किया गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे जगह बनती जाएगी, इधर से पुश किया जाएगा। जब पुश किया जाएगा, धीरे धीरे पुश करके इस सेक्शन को पूरा सड़क के उस पार निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो सिर्फ टाका मारा गया है बिल्डिंग का, उसमें तो उसको कट करके उस पाइप को अलग कर दिया जाएगा। अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये प्रोसेस जो है, ये इंडिया का प्रोसेस है, इसको जुगाड़ बोल सकते हो। देखो, अभी लड़का रस्सी खींच रहा है, राइट। अभी देखना उसकी ट्रॉली आएगी। एक पाइप है तो तीन पाइप का सेक्शन है, तो 36 मीटर, मिनिमम 36 मीटर, इससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा ही होगा। क्योंकि किसी, ये देखिए देखिए, आप देख रहे हैं उसकी ट्रॉली है, स्लाइड कर सके उसमें, कोई स्लाइड में कोई दिक्कत ना है। बियरिंग लगाया तो आराम से उसको, देखिए अब वो खींच लेगा। देखिए, अभी रस्सी आने लगेगी, देखना ये खींचना स्टार्ट। भाई ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि समझ लो ये सेक्शन अंदर नहीं चला जाएगा। धीरे धीरे 1-1 मीटर तक करेगा, फिर बैको से यहाँ पे लगा के इसको पुश किया जाएगा 1 मीटर, फिर आगे जाएगा, फिर 1 मीटर जाएगा, फिर पुश करेगा। क्योंकि रिस्क नहीं लेना है अंदर भी, क्योंकि पाइप के बाहर ज़्यादा जाके करेगा तो मान लो कि सड़क वगैरह कुछ डैमेज होती है तो नीचे ही बंदा दब जाएगा यार, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए थोड़ा 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 सा किया जाएगा, थोड़ा सा मिट्टी हटाया जाएगा, थोड़ा सा पुश किया जाएगा, थोड़ा सा मिट्टी हटाया जाएगा, थोड़ा सा पुश किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा।
बोरिंग बोल रहे हैं, ये भी एक इंडिया का प्रोसेस है, जुगाड़ है। है तो इसमें आदमी आराम से चला जाता है, अभी यहाँ पे क्या है कि 36 उसका डायमीटर है, तो आराम से बाहर आना ईजी है, और इसलिए काम करना ईजी पड़ रहा है। चलो ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको समझ गया होगा कि समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये प्रोसेस ऐसा ही है, और ऐसी जगहों पे काम करना यार बहुत थोड़ा सा टफ होता है, बार बार अंदर से पानी आ रहा है, मिट्टी कलेप्स कर रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी देखते हैं, इसको उस पार तो करना ही है किसी ना किसी तरीके से। रहा पाइपलाइन का चूहा पूरी, और पाइप पुशिंग तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि पुशिंग किया कैसे है। मिट्टी थोड़ी सी निकाली जाएगी पोस, मिट्टी निकाली जाएगी पोस, धीरे 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 करके इसको उस पार निकाल दिया जाएगा, उसके बाद फिर आवर पोस ये पुशिंग जो प्रोसेस होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा। चलो ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहो, लाइक करते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करो। डैम श्योर कि आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखो चलो लास्ट लिया एक बार दिखा देते हैं, देखो फिर से खींच रहा है, उधर से मिट्टी रख दिया होगा लड़का, ये बहुत चिपक रही है पानी है ना, इस वजह से। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।